स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ वी विल स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. द फोर्थ चैप्टर इज द अर्लीस्ट सिटीज. आज हम बेटा फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे, अर्लीस्ट सिटीज. इसका मतलब होता है पुराने समय के जो शहर थे, जो सिटीज थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए बेटा, इसमें एज वी नो बाई द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज ह्यूमन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो न्यूलिथिक पीरियड का एंड आया, उस समय तक जो लोग थे वो फार्मर्स बन गए थे, हर्डर्स बन गए थे एंड स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस. और उन्होंने गाँव में रहना सीख लिया था, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, विच वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर देयर प्रीवियस सेटलमेंट, जिसके द्वारा क्या उनका प्रीवियस जो सेटलमेंट था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था. एज एग्रीकल्चर इम्प्रूव, जैसे जैसे एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ, द नीडेड नीड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सेटलमेंट टू बी इन्वॉल्व इन इट बिकेम लेस. तो जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, जो लोगों पॉपुलेशन ऑफ अ सेटलमेंट, तो लोगों का जो रहने के लिए जो स्पेस था उसकी उन्हें और ज़्यादा आवश्यकता होने लगी. टू एंड वे फॉर अदर ऑक्यूपेशंस लाइक टूल मेकिंग, वीविंग, और इसके अलावा वो और नए नए ऑक्यूपेशंस उन्होंने अपना लिए थे, जैसे टूल मेकिंग, वीविंग, पॉट मेकिंग एटसेट्रा. इन सारे कार्यों के द्वारा वो अपनी आजीविका कमाने लगे. आगे देखो बेटा, व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन? सिविलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? सिविलाइजेशन का सभ्यता. सिविलाइजेशन कवर्स लार्जर एरिया देन अ विलेज. जो सिविलाइजेशन है वो एक बड़े एरिया को कवर करती है एक गाँव की अपेक्षा. एंड इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. अ सिविलाइजेशन नीड्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. सिविलाइजेशन है उसे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है. द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड अलोंग रिवर. जो पुराने समय की जो शुरुआत के जो शहर थे वो नदियों के पास बस गए थे. बिकॉज, क्योंकि वाटर फर्टाइल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट वाज रेयरली अवेलेबल. क्योंकि यहाँ से पानी, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ लैंड और ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था. सम फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन कुछ फीचर्स थे. प्लान स्ट्रक्चर ऑफ, इसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती थी. प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल ऑक्यूपेशन, अलग अलग कार्यों के लिए भी क्या है, प्रैक्टिस की जाती थी. यूज़ ऑफ डेवलप्ड लैंग्वेज, बातचीत के लिए जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसका विकास किया गया. एमरजेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कल्चर. और जो सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस कल्चर थे उन्हें इकट्ठा कंबाइन कर दिया गया था. अब देखो बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या थी? इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. यह एक ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, एज इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज. क्योंकि यह ब्रॉन्ज एज में ही पनपी थी, तैयार हुई थी. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया. बिकॉज, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट टू बी एक्सक्लेव. क्योंकि यहाँ इसने इसी खुदाई में जो हड़प्पा नामक जगह थी वो सबसे पहले मिली थी. इट डेवलप्ड अराउंड 4700 ईयर्स अगो. यह आज से लगभग 4700 साल पहले डेवलप हुआ था. हड़प्पा इज नाउ इन पाकिस्तान. जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में. एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि. और ये रावी नदी के पास स्थित है. नियरली 1400 साइट्स, लगभग 1400 साइट यहाँ से पाई गई हैं. इन 1922 में द रिमेन्स ऑफ अनदर सिटी फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन. और इस सभ्यता के जो दूसरे शहर मिले वो कहाँ मिले हैं? उन्हें मोहनजोदड़ो कहा गया है, जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जो अब पाकिस्तान में स्थित है. ऑन बैंक ऑफ रिवर इंदुस. ये कौन सी नदी के किनारे? रिवर इंदुस के किनारे. वेरियस साइट डिस्कवर्ड लेटर हैड सिमिलर रिमेन्स टू दोज ऑफ हड़प्पा. एंड हड़प्पा साइट्स आउट ऑफ द 1400, लगभग 1400 हड़प्पा साइट्स वहाँ पे डिस्कवर हुई हैं. इनमें से 925 साइट भारत की हैं और 475 साइट्स हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं. अब भारत की जो साइट्स हैं हड़प्पा की, कौन कौन सी? मेन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, छोटका को, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, आलमपुरी, भगवानपुर, ये सारी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट पॉपुलर साइट्स हैं, जहाँ पर आपकी हड़प्पा संस्कृति पाई गई है. ओके, आगे देखो बेटा, आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन. तो अर्बन सिविलाइजेशन है, उसकी आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या क्या बताए गए हैं? अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन डिस्प्लेड इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स इन प्लानिंग, टेक्निकल एडवांसमेंट, इंजीनियरिंग एंड इमेजिनेशन. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट वन इज टाउन प्लानिंग. जो शहर का विकास हुआ उसके लिए पहले से ही प्लानिंग की जाती थी. द सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर वेल प्लान्ड. जो शहर हड़प्पा संस्कृति के जो शहर थे उनके लिए पहले से प्लानिंग वर वेल प्लान्ड थे. स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल. जो गलियाँ थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी. इट कंसिस्टेड
इट कंसिस्टेड ऑफ ग्रेनरीज. ग्रेनरीज होता है बेटा जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, अनाज रखने के जो गोदाम है उन्हें ग्रेनरीज कहा जाता है. इन मोहनजोदैरो, मोहनजोदैरो की जो मेन गलियाँ थी, हैड हाउस बिल्ट ऑन बोथ साइड्स, उसके दोनों साइड क्या है, हाउस बनाए गए थे. दिस स्ट्रीट वाज 800 मीटर लॉन्ग, जो ये गलियाँ थी वो 800 मीटर लंबी थी और 10 मीटर चौड़ी थी. द मेन फीचर वाज दैट द सिटी वाज डिवाइडेड टू पार्ट, जो शहर थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था. वन पार्ट वाज बिल्ट ऑन रेस्ड ग्राउंड, जो एक पार्ट था वो तो ऊँचे उठे हुए ग्राउंड के ऊपर था. हैड अ प्रोटेक्टिव वॉल, जिसकी एक चारों तरफ वॉल बनाई गई थी, दीवार बनाई गई, विच गेव प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड, जो बाढ़ वगैरह से उनकी प्रोटेक्शन करती थी. एंड द अदर पार्ट वाज लोअर टाउन, जो दूसरा पार्ट था वो लोअर टाउन था. इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रोड्स, इसके चौड़े चौड़े रोड बनाए गए थे. द टाउन्स वर मैनेज विद प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही टाउन्स में क्या है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर प्रशासन स्थापित किया गया. ओके बेटा, इज दैट क्लियर. नेक्स्ट बेटा आपका सिटाडल, देखिए सिटाडल क्या है. मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड टू पार्ट, जितने भी शहर थे उन्हें दो भाग में बांटा गया था. अपर पार्ट वॉज कॉल सिटाडल, जो ऊंचा जो भाग था उसे सिटाडल बोला गया. इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे पैलेस ऑफ रूलर, जो किसी राज शासक का जो महल था, होम्स ऑफ रूलिंग क्लास, जो अमीर लोग थे, पब्लिक हॉल्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, ग्रेनरीज, इन सारी चीज़ों को तो कहाँ बनाया गया था, सिटाडल में बनाया गया था. एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोपोलिस, इन्हें एक्रोपोलिस भी कहा गया था. द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदैरो वाज लाइक अ पब्लिक प्लेस, जो मोहनजोदैरो में एक ग्रेट बाथ यानी कि जो बहुत बड़ा स्नान घर था उसे वो पब्लिक प्लेस की तरह था, जिसे कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल, सिटाडेल जिसे सिटाडेल में बनाया गया था. इट वाज मेड ऑफ बर्नड ब्रिक्स, इसे पकी हुई ईंटों के से बनाया गया था. विच वाज कोटेड विद प्लास्टर, जिसके चारों तरफ सीमेंट से प्लास्टर किया गया था. अ कोटिंग ऑफ तार वाज ऑल्सो अप्लाइड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सीपेज, और किसी भी प्रकार की लीकेज से रोकने के लिए इसके ऊपर तारकोल की कोटिंग भी की गई थी. एंड इट हैड अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स ऑन आइदर साइड, इसके दोनों साइड उतरने के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी. फ्लोर ऑफ बाथ वाज ऑल्सो मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स. इट हैड सेवरल रूम्स, इसके अंदर कुछ कमरे भी थे. विच वाज प्रोबेबली यूज फॉर चेंजिंग, और जो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए बनाए गए थे. स्ट्रक्चर शोज दैट इट वाज मेंट फॉर रिलीजियस एंड रिचुअल बाथिंग. अदर पार्ट वाज अ लोअर टाउन, अब जो दूसरा पार्ट था इसका वो था लोअर टाउन, वो तो अपर पार्ट था, अब दूसरा है लोअर टाउन. वेयर स्मॉल हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल वर बिल्ट, जहाँ पर कॉमन साधारण लोगों के रहने के लिए घर बनाए गए थे. सम हाउसेज वर ऑफ वन स्टोरी एंड अदर हैड टू स्टोरी, कुछ हाउसेज के एक मंजिल थे, कुछ हाउसेज दो मंजिले थे. हाउसेज ऑल्सो हैड कोर्ट यार्ड्स विद रूम्स इन दैम, और इसके अलावा घरों के अंदर रूम्स भी थे, रूम्स के अलावा बाथरूम्स, किचन्स, और वहाँ पर कुएँ भी बनाए गए थे. ओके बेटा, आगे बेटा यूज वॉल्स, अल्टर्स एंड ग्रेनरीज. इसमें देखिए इसमें क्या है, ह्यूज हॉल्स दैट लुक्ड लाइक असेंबली हॉल और मीटिंग प्लेसेस, जहाँ पर मीटिंग्स होती थी, असेंबलीज होती थी, या बड़े बड़े जो अनाज रखने गोदाम थे वो वहाँ पर बनाए गए थे. वर डिस्कवर्ड इन सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में बनाए गए थे. दीज ग्रेनरीज कंसिस्टेड ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, इन ग्रेनरीज में सर्कुलर ब्रिक इसमें प्लेटफॉर्म भी बनाए गए थे. अल्टर्स वर वेयर सेक्रीफाइस और अदर रिचुअल्स वर प्रोबेबली परफॉर्म हैव बीन फाउंड कालीबंगा एंड लोथल, और जो अल्टर्स थे जहाँ पर क्या भगवान की पूजा वगैरह की जाती है वो कालीबंगा या लोथल के अंदर, लोथल नामक जगह में बनाए गए थे. लोअर टाउन, देखो लोअर टाउन क्या है बेटा, दैट लोअर टाउन वाज सिचुएटेड आउटसाइड द सिटाडेल, जो लोअर टाउन थे वो सिटाडेल के बाहर की साइड बनाए गए थे. इट वाज अरेंज्ड इन ब्लॉक्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, इन्हें रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया था. विद वाइड रोड्स, इनकी जो दीवारें थी वो बहुत, इनके जो रोड्स थे बहुत चौड़े चौड़े थे. एंड इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, इनके अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया था. क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स, लेबर्स रेसिस्टेड इन दिस पार्ट, वो इस एरिए के अंदर रहते थे. ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जो ड्रेनेज सिस्टम था और जो गलियाँ थी वो किस प्रकार की थी. द ड्रेनेज सिस्टम एंड लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स वर अनदर आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो पानी की निकासी की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी. नेक्स्ट बेटा आपका, इन द सिटीज वाज वर कवर्ड एंड लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस भी निकाली गई थी. दे वर बिल्ट विद स्लॉब्स, यहाँ पे स्लॉब भी बनाए गए थे पानी ताकि इजीली फ्लो करके आ सके. हाउस ड्रेन वर कनेक्टेड, जो हाउसेस हाउस के जो ड्रेन से उन्हें भी क्या है मेन गलियों के ड्रेन से जोड़ा गया था. एंड दे कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स, इन्हें पत्थरों से कवर किया गया था, ढका गया था.
आगे बेटा आपका ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहाँ उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार के कार्य करते थे। पीपल फॉलोड मैनी ऑक्यूपेशंस लाइक फार्मर, क्राफ्टमैन, वीवर, पोर्टर, टॉय मेकर, स्टोन कटर, ट्रेडर, मर्चेंट्स, स्कल्पचर, पोर्टर। ओके, हैड रीच वेरियस एडवांस, इट वॉज ग्लेज्ड एंड कैरिड वेरियस डिजाइन। टेराकोटा सील, टेराकोटा होता है बेटा एक जली हुई जो क्ले होती है, पकाई हुई जो मिट्टी होती है, उससे क्या है कुछ सीले मोहर बनाई जाती थी, पर फाउंड इन बिग नंबर्स इन मैनी साइड्स। दे आर स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर, यह स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। आगे बेटा हेयर क्लिप्स ऑफ स्टोन्स, जो लड़कियां या गर्ल्स या लेडीज जो बालों में क्लिप्स लगाती हैं वो पत्थरों की बनी होती थी। रिंग्स, अंगूठी, गले में पहनने का नेकलेस, चूड़ियां, ईयर रिंग्स, बीड्स जो बालों में लगाए जाते हैं, ये उस समय के बहुत ही पॉपुलर ज्वेलरी थी। एंड नीडल्स एंड बटन्स वर ऑल्सो फाउंड हेयर, और यहाँ पे नीडल्स, सुई और बटन भी मिले थे, जिससे क्या पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो सिले हुए कपड़े पहनते थे। आगे बेटा विलेजर्स ग्रू क्रॉप्स, जो गांव के लोग थे उन्होंने क्रॉप्स यानी कि फसल उगाना सीख लिया था। वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स, उस समय की वीट और बार्ले मेन क्रॉप्स थी। इसके अलावा राइस और पल्सिस और मस्टर्ड भी, इनकी भी खेती की जाती थी। द स्कल्पचर ऑफ द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इज अ मास्टर पीस फ्रॉम दिस पीरियड, इस समय के जो स्कल्पचर्स थे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इसके अंदर जो डांसिंग गर्ल की जो स्कल्पचर थी वो उस समय की मास्टर पीस थी। पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, इसमें ब्रॉन्ज की बनी हुई है और ये लड़की डांस करते हुए डांस की पोजीशन में दिखाई गई है इसके अंदर, ये स्कल्पचर है ये। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालना भी उस समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, और इसमें काओ, हॉर्स, ऑक्सन, बफेलो, शिप को घरों में पाला जाता था। ब्रिक्स वर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, हैंस ब्रिक मेकिंग वाज बिकेम इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, और जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, वो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी, इसलिए जो ब्रिक्स बनाने का जो कार्य था वो भी उस समय सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन माना गया था। हड़प्पा वर ट्रेडर्स थू, जो हड़प्पा के लोग थे वो व्यापारी भी थे। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर की वो क्या है मेसोपोटामिया, ओमान और अफगानिस्तान, यहाँ से वो क्या है इनकी इनका व्यापार करते थे। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो इन देशों से भी जुड़े हुए थे। ओके बेटा आगे देखिए, द ओवरसीज ट्रेड वाज मोस्ट प्रोबेबली कैरिड आउट फ्रॉम लोथल विच वाज अ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड होता है बेटा जहाँ पर जहाज जो होते हैं, शिप्स होती हैं, उन्हें रिपेयर किया जाता है या उन्हें बनाया जाता है, उसे डॉकयार्ड कहा जाता है। हड़प्पा साइट्स इन गुजरात, अब जो गुजरात में हड़प्पा साइट्स जो मिली हैं उसके बारे में देखिए। लोथल सबसे फर्स्ट आता है, लोथल, लोथल का नाम आता है, लोथल में देखिए, लोथल वाज सिचुएटेड इन गुजरात, जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, नियर द गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी के पास। इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, एज इट वाज ए कोस्टल साइट, क्योंकि ये कोस्टल साइट पर स्थित था। इट वाज कनेक्टेड बाय चैनल ऑफ वाटर, ये पानी के चैनल से जुड़ा हुआ था। दिस शो द बोट्स एंड शिप्स केम इन द फ्रॉम द सी, इससे पता चलता है कि जो बोट है, शिप है, वो समुद्र से आती थी थ्रू द रिवर चैनल। लोथल वाज पॉपुलर फॉर बीड मेकिंग एज पीस ऑफ स्टोन, और जो लोथल है वो बीड मेकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना गया था। नेक्स्ट आपकी साइट थी बेटा धोलावीरा, धोलावीरा देखिए, धोलावीरा इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट दैट इज सिचुएटेड इन रन ऑफ कच्छ, जो रन ऑफ कच्छ में स्थित थी। इट वाज अ लार्ज सेटलमेंट विद फ्रेश वाटर, यह फ्रेश वाटर से जुड़ी हुई थी एंड फर्टाइल सोइल। धोलावीरा वाज डिवाइडेड थ्री पार्ट, जो धोलावीरा था उसे तीन पार्ट में बांटा गया था, सिटाडेल जो अपर टाउन था, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय स्टर्डी वॉल मेड ऑफ स्टोन, और हर पार्ट को क्या है पक्की दीवारों से तैयार किया गया था। प्लैंक, देयर इज ऑल्सो अ लार्ज वुडन प्लैंक विद लेटर्स रिटन इन हड़प्पा स्क्रिप्ट, और उस समय जो हड़प्पा स्क्रिप्ट थी, हड़प्पा लिपि थी, उसके अंदर भी उसके अंदर सारी बातों को लिखा गया था। और एक और साइट मिली बेटा धोरो, धोरो देखिए, धोरो इज अ रिसेंट साइट दैट वाज एक्सक्लेव्ड इन द कच्छ रन, ये भी क्या कच्छ के कच्छ रीजन से प्राप्त हुई है। हेयर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम शेल एंड कॉपर, यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं वो शेल से या कॉपर से बनी हुई हैं। शेल बैंगल्स, चूड़ियाँ, बोथ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड, वो तैयार या मतलब फिनिश तैयार की हुई मिली है और अनफिनिश्ड मटेरियल भी मिला है। दिस शो दैट दिस प्लेस मस्ट हैड वर्कशॉप्स हेयर, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ें बनाने की एक दुकान यानी कि वर्कशॉप यानी दुकान भी थी। एज शेल मस्ट हैव बीन अवेलेबल इन प्लेंटी, क्योंकि यहाँ पर जो शेल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। और लास्ट है बेटा आपका डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन जो इंडस वैली सभ्यता थी उसका पतन हो गया, वो कैसे हो गया। ग्रेजुअली द
इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन, लेकिन धीरे धीरे क्या है इंडस वैली सभ्यता का पतन हो गया। हाउ एवर किसी को नहीं पता हाउ इट हैपन्ड कि कैसे हुआ। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक के द्वारा भी ये हो सकता है, फ्लड्स के द्वारा भी, या एपिडेमिक और एपिडेमिक जो महामारी होती है उसके द्वारा भी इसका पतन हो सकता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हिंट्स दैट पीपल वैकेटेड सम ऑफ प्लेसेस एंड शिफ्टेड। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उससे क्या पता चलता है कि लोगों ने इन स्थानों को खाली कर दिया और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, तो इसकी वजह से भी क्या है इंडस वैली सभ्यता का पतन हो गया। इट ऑल्सो हैज बीन सजेस्टेड दैट डिफोरेस्टेशन जंगलों की कटाई की वजह से भी और द चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर कुड हैव कॉज इट। न्यू सिटीज एमर्ज नियरली 1400 ईयर्स लेटर, और जब नई शहरों का विकास हुआ वो उसके लगभग 1400 साल बाद इसका विकास होना स्टार्ट हुआ था। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू विल डिस्कस विद मी, तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।